आओ राजस्थानी सीखें के अगले भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको राजस्थानी गीतों में प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में बताएंगे, जिसके कारण आप राजस्थानी गीतों को भी समझ पाएं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थानी गीतों में आपने बाईसा शब्द सुना होगा, तो बाईसा शब्द का मतलब होता है बेटी। छोटी बेटी, बड़ी बेटी, घर की बेटी को बाईसा कहा जाता है। उसके बाद में मोरियो या फिर मोरिया, यानी कि मोर, मोरियो। उसके बाद छाने छाने, छाने छाने यानी चुपके चुपके। उसके बाद अकेली, एकली, एकली, अकेली। झीणो झीणो यानी बारीक बारीक, झीणो झीणो। उसके बाद बटाऊ या फिर बटेऊ यानी मेहमान, बटेऊ। उसके बाद में आपने काफी सुना होगा परणाई। परणाई शब्द का मतलब होता है शादी कर दी, परणाई। जैसे कि छोटी सी उम्र परणाई, मतलब छोटी सी उम्र में शादी कर दी, तो परणाई यानी शादी कर दी। उसके बाद में पधारो, पधारो का मतलब होता है आइए और जाइए। आने का और जाने का दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है राजस्थान में। जैसे कि कोई आया तो उसे कहेंगे पधारो सा, पधारिए, पधारो, इस तरह से। और अगर कोई जाएगा तब भी ऐसे ही बोलेंगे कि पधारो सा, मतलब जाइए, इस तरीके से। तो पधारो का मतलब होता है आइए या फिर जाइए। उसके बाद में घूघरा, घूघरा यानी घुंघरू, घूघरा। उसके बाद जीवड़ो, जीवड़ो यानी जान, जीवड़ो। उसके बाद हेवड़ो, हेवड़ो यानी हृदय, हेवड़ो। फिर पायलड़ी, पायलड़ी यानी, पायलड़ी यानी पायल। उसके बाद तावड़ियो, तावड़ियो यानी धूप, तावड़ियो। उसके बाद चिरमी, इसका एक सॉन्ग सुना होगा, चिरमी बाबू सारी लाडली। तो चिरमी वैसे तो एक फल है, गुंजा का फल है, एक बेल पर जो उगता है उसे चिरमी कहा जाता है, लेकिन राजस्थान में लड़कियों का नाम भी चिरमी रखा जाता है। तो चिरमी किसी का नाम भी हो सकता है और वैसे फल का नाम है। उसके बाद बाबोसा, बाबोसा यानी बाबा, पापा, तो बाबोसा कहा जाता है। उसके बाद डाला, डाला यानी डालियां, पेड़ों की जो डालियां होती है उसको राजस्थानी में कहते हैं डाला, डाला। उसके बाद बाजूबंद, बाजूबंद शब्द का प्रयोग गीतों में काफ़ी होता है। उसका मतलब होता है कि एक गहना है जो कि बाजू में पहना जाता है, तो उसे बाजूबंद कहा जाता है। उसके बाद में गोरबंद, गोरबंद शब्द का मतलब है कि एक प्रकार का गहना जो कि ऊंट के सिर पर सजाने के लिए कपड़े से बनाया जाता है, रंगीन होता है वो, तो इस प्रकार से उसे गोरबंद कहा जाता है। उसके बाद में कुर्जा, कुर्जा शब्द भी आपने काफ़ी सुना होगा गीतों में। तो कुर्जा सारस की एक जाति है, तो उसे कुर्जा कहा जाता है। उसके बाद में लूम्ब, लूम्ब होती है जैसे कि लटकन, तो गहनों में लटकन की तरह जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसे लूम्ब कह सकते हैं, तो लूम्ब यानी लटकन। उसके बाद में
दारूडियो, दारूडियो यानी शराबी, शराबी को मारवाड़ी में कहते हैं दारूडियो। फिर भौली, भौली यानी भोली भाली। उसके बाद में रूसगी, रूसगी यानी गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, तो उसे कहेंगे रूसगी, रूसगी। उसके बाद में था बिन यानी तुम बिन, था बिन। फिर रातड़लिया, रातड़लिया यानी रातें, रातड़लिया। फिर बिंदी को मारवाड़ी में कहते हैं टीकी, टीकी, बिंदी। और मेहमान को कहा जाता है पावणा। तो कई गीतों में आपने पावणा शब्द का प्रयोग सुना होगा। तो पावणा का मतलब होता है मेहमान। और वैसे जवाई जो होते हैं घर के, उनको भी पावणा कहा जाता है मारवाड़ी में। उसके बाद में आवोनी, आवोनी यानी आओना, आवोनी। फिर राजी, राजी यानी खुशी, खुशी। उसके बाद पुदीनो, पुदीनो यानी पुदीना, पुदीनो। फिर झूला घालिया यानी झूले डाले, झूला घालिया। उसके बाद पिणिहारी शब्द आपने काफ़ी सुना होगा। तो यहाँ पिणिहारी शब्द का मतलब होता है पानी भरने वाली स्त्री। जो पुराना समय था तब जो स्त्रियाँ कुएं से पानी भरने जाती थी उनको पिणिहारी कहा जाता था। तो पिणिहारी यानी पानी भरने वाली स्त्री। उसके बाद लारे रहा, लारे यानी पीछे, पीछे रह गए, तो उसे कहेंगे लारे रह गया, लारे रहिया। उसके बाद धूरा वालों देश। तो यहाँ पे धूरा शब्द है, धूरा का मतलब होता है धूल के पहाड़ों वाला देश। तो धूल के पहाड़ों को धूरा कहा जाता है, धूरा, ठीक है। उसके बाद में नणंदल, नणंदल यानी ननद, ननद को मारवाड़ी में कहा जाता है नणंदल। उसके बाद में गमगी, गमगी यानी गुम हो गई, गमगी। फिर कागला, कागला यानी कौवा, कागला। फिर मोकलो, मोकलो यानी बहुत सारा, मोकलो काम है, जैसे कि बोला जाता है मोकलो काम है यानी बहुत सारा काम है। उसके बाद में ओड़ियो आवे, ये शब्द आपने काफ़ी सुना होगा। इसका मतलब होता है याद आती है, ओड़ियो आवे, मने ओड़ियो आवे, मुझे याद आती है, इस तरीके से। उसके बाद में उणियारो, उणियारो शब्द का मतलब होता है हमारे चेहरे के जो नैन नक्शा है उसे उणियारो कहा जाता है राजस्थानी में। नैन नक्शे, जैसे कि उणियारो कैडो है, यानी कि नैन नक्शे कैसे हैं। उसके बाद में लाडकड़ी, लाडकड़ी यानी लाडली, लाडकड़ी। उसके बाद में निरख, 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 निरख यानी देख देख कर, के निरख, निरख ने थक गई, यानी कि देख देख के थक गई। उसके बाद में राजस्थानी गीतों में पायल बाजनी, इस तरह के शब्द आपने सुना होगा। तो यहाँ पर बाजनी शब्द का मतलब होता है बजने वाली, बाजनी। तो ये था आज का वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ शब्द जो आप जानना चाहते थे वो रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।